बाबा ऐसा क्यों है, आप जमीन के अंदर क्या क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं बाबू, अपने खाने कमाने के लिए, किसी मांगते नहीं है, अपने खाने कमाने के लिए करते हैं। ये भभूत वगैरह सिंदूर वगैरह जो रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं? ये सब मेरे पास रहता है, हमें ऐसा काम देता है। ऐसा नहीं ना किसी शमशान वगैरह से उठा के लाए? नहीं बाबा, वो नहीं होता। अभी हम मौजूद है नेपाल और भारत की सीमा के पास में मौजूद इटहिया धाम पंचमुखी शिव मंदिर है, जिसको मिनी बाबा धाम कहा जाता है। आज हम लोग मेले का रिपोर्टिंग करने आए थे, एक बाबा जी हमारे साथ मिले, हमारे साथ मौजूद हमारे पास। बाबा जी को देखकर एकाएक हमारी गाड़ी रुकी, हम लोग रुके, सोचे बाबा जी से बात किया जाए, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी जो है जमीन के अंदर है और इनका सर केवल जमीन के ऊपर। हम बातचीत करेंगे। बाबा ऐसा क्यों है, आप जमीन के अंदर क्या क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं बाबू, अपने खाने कमाने के लिए, किसी मांगते नहीं है, अपने खाने कमाने के लिए करते हैं। अच्छा, आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं? इसके अलावा क्या करते हैं बाबू, गांव में जाकर मांग कर खा लेते हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम सूर्य सिंह रेंजर। कब से आप जमीन के अंदर है? हो गया 4 बजे रात से हूँ। आइए, कितने देर तक का ये समाधि आप लिए हैं? 4 बजे तक, फिर खत्म हो जाएगा 12 घंटे के लिए। ठीक, रोजी रोटी के लिए आप करते हैं ये? हाँ जी। कितना कमा लेते हैं 12 घंटों में? कितना लोग आपको चढ़ावा चढ़ा देते हैं? वही मान लीजिए 1000 रुपया मिल जाता है। आपके घर में कौन कौन है बाबा? हमारे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक, इससे पहले बाबा जब आप साधु नहीं थे तो क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे बाबू, ड्राइवरी करते थे, ड्राइवर थे। लोगों से आप अपील नहीं करते हैं कि हमको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया दीजिए? आप केवल जमीन के अंदर समाधि लेकर रहते हैं और लोगों को जो इच्छा होता है वो आपको चढ़ावा चढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वही है, सही है। कहाँ रहते हैं बाबा आप? किसी मठ पे रहते हैं या आपका कोई निजी आवास है? बरघाट हजूर, नेपाल का मंदिर है, उसी मंदिर में रहता हूँ, बरघाट। आप भारत के रहने वाले हैं कि नेपाल के? हम भारत के रहने वाले लेकिन नेपाल में रहते हैं हजूर। नेपाल में क्या करते हैं? नेपाल में वही मांगते हैं, खाते हैं। किसी मंदिर पे रहते हैं? मंदिर पर। हाँ। कौन सा मंदिर है? मेन चौराहे पर मंदिर है, एकदम बरघाट चौराहे पे। अभी कब निकलेंगे आप जमीन के अंदर से? कब निकलेंगे? 1 घंटे के बाद निकल जाऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं जमीन से निकलने के बाद? निचलौल चले जाऊंगा। निचलौल चले जाएंगे, वहाँ भी मंदिर पे रहते हैं? हाँ, वहाँ थाना मंदिर। ये भभूत वगैरह सिंदूर वगैरह जो रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं? ये सब मेरे पास रहता है, हमें ऐसा काम देता है। अच्छा, ये कैसा भभूत है बाबा? वो राखी है बाबू, लकड़ी का राखी, उसी को भभूत कहा जाता है। ऐसा नहीं ना किसी शमशान वगैरह से उठा के लाए? नहीं बाबा, वो नहीं होता, वो नहीं है। तो ये बाबा थे जिनका कहना है कि हम रोजी रोटी के लिए ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं, किसी से मांगते नहीं है। जमीन के अंदर ये बाबा समाधि लिए हुए हैं, जो पूर्व में हिंदू समाज के संतों द्वारा किया जाता था। अमूमन देखा श्रद्धालु या दर्शक जो कह ले आप, वो आते हैं और अपने खुशी से इनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ऐसे बाबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।